गुड मॉर्निंग एट क्लास, टुडे इज योर कंप्यूटर क्लास, चैप्टर नंबर 6 दैट इज इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप। सो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं कि बेसिकली फोटोशॉप क्या होता है, उसका हमारी लाइफ में हम किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, उसका क्या क्या वर्क होता है, वो कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो लास्ट में जो हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे अबाउट सिलेक्शन टूल्स। तो हमने सिलेक्शन टूल्स कंफर्म कर लिए थे कि कौन कौन से होते हैं, लाइक मॉलक्यूल टूल, मैजिक वैन टूल। उसमें मॉलक्यूल टूल में भी काफ़ी टूल्स होते हैं, रेक्टेंगल, एलिप्टिकल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इन जो हमने पहले टूल बॉक्स भी पढ़ चुके हैं, टूल बॉक्स में देखा था कि हमारे बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो हमने सिलेक्शन टूल तो कंफर्म कर लिया। अब हम उन्हीं को आगे स्टार्ट करेंगे कि और कौन कौन से टूल्स होते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस टूल्स। नंबर वन टूल इज क्रॉप टूल। द क्रॉप टूल इज यूज टू रिमूव अनवांटेड एरियाज ऑफ एन इमेज। जो क्रॉप टूल होता है वो किसके लिए यूज होता है, कि हमारी इमेज में जो अनवांटेड एरिया होता है उसको हटाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लाइक हम फोटोज क्लिक करते हैं, अगर हमारे फोन में फोटो क्लिक करते हैं, तो हमें अगर किसी की फोटो अच्छी नहीं आई है या पीछे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा, साइड से जो व्यू आ रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उसको क्रॉप कर देते हैं। तो सेम एज इट इज इन एमएस, सॉरी इन फोटोशॉप जो है, एडोब फोटोशॉप जो है आपका, सेम एज इट इज इसमें भी वही काम होता है क्रॉप टूल का। जैसे यहाँ पे आपको स्टेप शो कर रखे हैं, ऐसे होता है सबसे पहले हमने इमेज ओपन करी जिसको भी हमें क्रॉप करना है। क्रॉप टूल हमने सेलेक्ट करा फ्रॉम द टूल बॉक्स एंड देन ड्रैग द पार्ट ऑफ एन इमेज दैट यू वांट टू क्रॉप, और उस इमेज का उस पार्ट को ड्रैग करेंगे जो हमें क्रॉप करना है। लास्ट है हमारा रिलीज मॉल, ड्रैग कर लेंगे तो जहां तक वो क्रॉप हो गया, जहां तक आपको ड्रैग मतलब सेलेक्ट करना है, क्रॉप करना है, वहां तक सेलेक्ट करके इन द रेक्टेंगल फॉर्म, तो हम फिर क्या कर देंगे, हम उस बटन को रिलीज कर देंगे जिसके थ्रू हमारा जो इमेज है, हमारी जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, क्रॉप हो जाएगी। नेक्स्ट टूल है हमारा टूल बॉक्स के अंदर पेंटिंग टूल। पेंटिंग टूल ऐसे तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, लाइक अगर जब हम मैंने आपको उसमें टूल बॉक्स में पढ़ाया था, या फिर अपनी आप बुक्स में भी देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में, तो उसमें भी आप देखोगे कि पेंटिंग टूल्स हमारे बहुत सारे हैं। But in this class and in this chapter, we are studying about only two tools. First one is brush tool and second one is gradient tool. Brush tool kya hota hai? The brush tool works like an ordinary brush and creates a smooth stroke of the background color. Basically, just like हम जो brush tool use करते हैं, जैसे हम brush color use करते हैं, तो उसमें जो हमारे पास इस तरीके का brush आता है, इसमें बोला गया है कि जो brush tool है वो हमारा ऑर्डिनरी ब्रश, जस्ट लाइक हम जो ब्रश यूज करते हैं फिजिकल थ्रू वर्क, हम ब्रश जो हमारा यूज होता है ब्रश कलर के अंदर, तो वहां पे जो हम यूज करते हैं सेम एज इट इज, इसका भी काम वही होता है कि वो एक कलरिंग देता है हमारे पिक्चर्स के अंदर। नेक्स्ट है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल इस तरीके से होता है, ग्रेडियंट टूल्स में क्या होता है कि ये एक सेलेक्टेड पोर्शन, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं करता है, एक तरह से कर दिया कि हम शेडो वाला पार्ट कर देते हैं, या हम एक साइड से कर रहे हैं, एक साइड से हल्का कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम ग्रेडियंट टूल, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, द ग्रेडियंट टूल इज यूज्ड टू फिल अ सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ एंटायर लेयर ऑफ एन इमेज विद ट्रांजिशन ऑफ वन कलर टू अनदर। इसमें एक तो एक काम जैसे मैंने बताया आपको कि हम सिलेक्टेड पोर्शन यूज करते हैं एंटायर लेयर का, मतलब इमेज का, लेकिन इसमें एक चीज और क्या है कि हम कलर ट्रांजिशन ऑफ कलर्स भी कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग कलर्स यूज कर सकते हैं एक ही इमेज में, एक ही बार में हम डिफरेंट टाइप ऑफ कलर यूज करके ग्रेडियंट के थ्रू हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर कलर ब्लेंडिंग टूगेदर। इसमें टू और टू से ज्यादा कलर्स आपस में ब्लेंडिंग हो सकते हैं। यू कैन फिल एन एरिया विद अ लीनियर, रेडिकल, एंगुलर, रिफ्लेक्टेड और डायमंड ग्रेडियंट। जब आप आगे इसमें प्रैक्टिकल वर्क करोगे, इसको प्रैक्टिकली थ्रू देखोगे, तो वहां पर आप देखोगे कि ग्रेडियंट में काफी सारी शेप्स होती है, लाइक लीनियर शेप होती है, रेडियल शेप होती है, एंगुलर होती है, रिफ्लेक्टेड होती है, डायमंड शेप होती है, जिसके थ्रू हम कलर्स को, दो या दो से ज्यादा कलर्स को आपस में ब्लेंडिंग करके हम
हम यूज कर सकते हैं इन द ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल की हेल्प से हम कलर्स को ब्लेंडिंग कर सकते हैं इन डिफरेंट शेप, और उस डिफरेंट शेप के थ्रू हम अपने पिक्चर्स में कलरिंग भी कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा पेंटिंग टूल। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं ड्रॉइंग टूल। Adobe Photoshop also provide you with a collection of drawing shape, rectangle, rounded rectangle, ellipse, polygon, line, custom shape, etc. अब इसमें बोला गया है कि हमारा जो Adobe Photoshop है, actually जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसके बारे में स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर, तो Adobe Photoshop जो है वो हमें कलेक्शन ऑफ शेप प्रोवाइड करता है। कलेक्शन ऑफ शेप मतलब जो जितनी सारी शेप्स होती है, लाइक आपने एमएस वर्ड में भी शेप्स देखा होगा कि इतनी सारी शेप होती है। जब हम इमेज में जाकर मतलब हमारा जो इंसर्ट वाला क्वेश्चन होता है, इंसर्ट मेन्यू होता है, उसमें जाकर हम शेप को जब सेलेक्ट करते हैं तो हमें कितनी सारी शेप शो होती है। तो ऐसे ही Adobe Photoshop में भी, Adobe Photoshop भी एक कलेक्शन है हमारा शेप्स का, जिसमें रेक्टेंगल शेप, राउंडेड रेक्टेंगल, इमेज, पॉलीगन लाइन, कर्सर शेप, इस तरह की शेप हमारी शो होती है। टू ड्रॉ अ शेप से अ रेक्टेंगल यूजिंग द करेक्ट टूल टू द फ्लाई। आपको शेप ड्रॉ करनी है, लाइक हमने एग्जांपल लिया कि हमें रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करनी है, तो हम कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे एक ड्राइंग टूल बार शो कर रखा है, शेप लेयर, ये शेप्स हो गए, यहाँ पे स्लाइस हो गए, मल्टीपल शेड ऑप्शन हो गए, स्टाइल हो गया, कलर्स हो गया, इस तरीके से ये सारा ड्राइंग टूल बार है। इसकी हेल्प से हमें क्या ड्रॉ करना है, हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द रेक्टेंगल टूल इन द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में जो रेक्टेंगल टूल है उसको सिलेक्ट करेंगे। स्टेप टू, क्लिक ऑन द फोरग्राउंड कलर बॉक्स इन द टूल बॉक्स टू गेट द कलर पिकर पैलेट, चूज द रिक्वायर्ड कलर। अब यहाँ पे जो कलर हमारा आ रहा है, ये हमारा जो शेप्स आ रही है, कलर मल्टीपल लेयर्स ऑफ मल्टीपल शेप्स ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम फोरग्राउंड कलर यूज करेंगे, फोरग्राउंड कलर बॉक्स, जिसमें हमें कलर पिकर पैलेट मिलेगा। एक पूरा पैलेट मिलता है जिसके अंदर हम अपना रिक्वायर्ड कलर, यानी कि जो हमें कलर उस शेप के अंदर फिल करना है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट सेलेक्ट द रिक्वायर्ड शेप इन द ऑप्शन बार, और उसके बाद अपनी जो भी शेप हमारी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द शेप लेयर ऑप्शन इन द ऑप्शन बार, वहां से हम अपनी लेयर लेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें काफी सारी लेयर्स होती है, लेयर्स यानी कि उसमें शेप बनाई जाती है कि फर्स्ट वन, सेकंड वन, तभी वो जब उसको हम एक ट्रांजिशन बेस पे लेते हैं, एक हम एनिमेशन या मूवी बेस पे लेते हैं, तभी वो वन बाय वन हमारे सामने शो होती है। तो इसको हम लेयर कहते हैं। लेयर मीन्स बेसिकली क्या होती है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो फिल्म लाइन का ले लेते हैं, जैसे जो फिल्म शूट होती है, जो मूवी शूट होती है, या नाटक जो सीरियल्स आते हैं, वो सब शूट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर शूट होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस में शूट होते हैं, तो वो पूरी दो या ढाई घंटे की जो पिक्चर होती है वो एक बार में शूट नहीं होती, आपको पता है उसमें काफी टाइम लगता है। तो वो जो चीजें सारी होती है उसको एक तरीके से मैनेज किया जाता है, एक जगह पे दिखाया जाता है, वो थ्रू दी Adobe Photoshop के थ्रू ही दिखाया जाता है। क्योंकि वो अलग अलग लेयर बनाकर, अलग अलग शॉर्ट्स, दो दो तीन तीन मिनट के जितने भी शॉर्ट्स होते हैं उसको लेकर फिर वो एक साथ हमारे सामने शो करते हैं। तो ये लेयर होती है जो कि एक डिसाइड करती है कि हमारा सबसे पहले क्या आएगा, फिर दूसरी सीन क्या है, तीसरी सीन क्या है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि आप अपना लेयर सेलेक्ट करोगे कि आपको किस शेप लेयर में सेलेक्ट करना है। सेकंड इज, क्लिक ऑन द माउस बटन एंड कीपिंग इट प्रेस ड्रैग इट टू ड्रॉ द डिजायर्ड शेप। अब आपने क्या करना है कि अपना माउस बटन क्लिक करना है और ड्रैग करते हुए अपनी जो शेप है उसको ड्रॉ कर देना है, जिसके थ्रू हमारा जो भी आप शेप, जिसने एग्जांपल लिया रेक्टेंगल शेप तो हम रेक्टेंगल में कलर कर सकते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल है इसमें कर सकते हैं, इलिप्स है, पॉलीगन है, लाइन है, जो भी हमें शेप सेलेक्ट करनी है वो यहाँ से शेप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अबाउट बेसिकली दो टूल्स के बारे में जाना है, फर्स्ट वन पेंटिंग एंड सेकेंड वन ड्राइंग टूल। और इन टूल्स के साथ आपका जो चैप्टर है वो भी ओवर होता है। आई होप सो आपको समझ आई हो और आप इसको रिविजन करेंगे, और जो वर्क दिया जाएगा उसको भी नोटबुक में। Okay, thank you.